नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। बीजेपी की हुंकार रैली के बाद लग रहा है कि एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। ट्रेंड एक दूसरे की रैलियों और यात्राओं का विरोध करने का। बीजेपी के बाद अब चुनावी मैदान में कांग्रेस उतरने वाली है। प्रदेश में कांग्रेस की यात्राएं शुरू तो नहीं हुई, लेकिन बीजेपी का जुबानी हमला जरूर शुरू हो चुका है। तो बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने 2019 के चुनावी रण के लिए कमर कस ली है। पूर्व सीएम हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर रथ और साइकिल यात्रा पर निकलने की तैयारी में लगे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता एक के बाद एक कांग्रेस की यात्राओं को लेकर अटैक कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हुंकार रैली के बाद शुरू हुआ नया ट्रेंड। विरोधों के साए के बीच अब होंगी राजनीतिक रैलियां। रैलियों पर विरोधों का साया। हुड्डा कहीं से निकल ले, जाएगा जे जेल में। पहले ये स्पष्ट करें कि यात्रा उनकी किस भूमिका में हो रही है। ये बयानबाजी हो रही है कांग्रेस की तैयारी पर, राजनीतिक यात्राओं पर। दरअसल बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी चुनावी बिगुल बजाने जा रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां रथ यात्रा की तैयारी में हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर साइकिल पर निकलेंगे। हुड्डा की रथ यात्रा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा 25 फरवरी को होडल से रथ यात्रा निकालेंगे। हुड्डा रैली में कार्यकर्ताओं के साथ नहीं चलेंगे, लेकिन मंच से पूर्व सीएम संबोधन करेंगे। यात्रा की कमान पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर संभालेंगे। तंवर की साइकिल यात्रा 5 मार्च को कालका से तंवर अपनी रैली के प्रथम चरण की शुरुआत करेंगे। इस दौरान 10 से 12 जिले साइकिल पर कवर किए जाएंगे। तंवर रोजाना कम से कम 2 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस तरह उनकी साइकिल रोजाना 60 से 80 किलोमीटर चलेगी। वहीं तंवर और हुड्डा की यात्राओं को लेकर बीजेपी ने हमला बोला। कैबिनेट मंत्री अनिल विज, ओपी धनखड़, कृष्णलाल पवार ने जमकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। हुड्डा साहब सारा तमाशा कर रहे हैं। जेल जाने से बचने के लिए, सिंपथी ग्रहण करने के लिए, लेकिन ये हुड्डा साहब बचेंगे नहीं। ये रथ यात्रा जहां से मर्जी शुरू कर लें, लेकिन ये खत्म जेल में होगी। मैं जब अशोक तंवर ने साइकिल यात्रा शुरू की तो उस रास्ते में उसका साइकिल पंचर हो गया था। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रथ यात्रा शुरू की तो उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। अब ये हमें पता नहीं है इनकी यात्रा पूर्ण सफल हो पाएगी नहीं हो पाएगी। यात्रा शुरू करने से पहले शुरुआत की डेट दे देते हैं, फिर कोई बहाना ला लेते हैं, मुझे फ्रैक्चर हो गया, मेरे साइकिल में पंचर हो गया, तो इसलिए इनका पंचर तो लगातार होता ही रहेगा। पहले ये स्पष्ट करें कि यात्रा उनकी किस भूमिका में हो रही है, कि ना तो वो कांग्रेस के विधायक दल के नेता है और ना ही वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। और मुझे नहीं लग रहा कभी अभी भी कहीं से भी कि कांग्रेस पार्टी ने उनको ऐसी कोई यात्रा निकालने का जो है दायित्व सौंपा है। और दायित्व नहीं सौंपा है तो ये बगावती यात्रा है। मानेसर घोटाले का जहाँ तक संबंध है, कांग्रेस की सरकार और उसके मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमेशा जो है किसानों के हितैषी होने का दम भरते रहे, और इस चार सीट से बिल्कुल स्पष्ट तौर पर साफ है कि किसानों के नाम पर राजनीति करके किसानों की जमीन को जो है किस तरह से इन्होंने लूटने का काम किया और बिल्डरों को फायदा पहुँचाने का काम किया। अमित शाह की हुंकार रैली के बाद अब नया ट्रेंड शुरू होता नजर आ रहा है। रैली और यात्राओं को लेकर जमकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश में लगे हैं, और राजनीतिक पारा भी गर्माता जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि बयानबाजी के इन हमलों के बीच कांग्रेस अपनी यात्राओं से जनता को लुभाने में कितनी कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए तो चर्चा का आगाज करते हैं। महेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। महेंद्र जी, स्वागत है आपका। ट्रेंड शुरू हो गया नया, एक आप रैली कर रहे हैं। हर सियासी दल को अपनी सियासी रैली करने का अधिकार है।
बीजेपी ने रैली की, उसका विरोध हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टियां भी विरोध कर रही थी, नॉन पॉलिटिकल लोग विरोध करते हैं, समझ में आती है एक बात, पॉलिटिकल लोग जो विरोध करते हैं, क्या एक नया ट्रेंड शुरू हो गया? गौरव, ये नया ट्रेंड नहीं है, ये हरियाणा का पुराना ट्रेंड है। जिस भी व्यक्ति को राजनीति में चमकना है, आगे बढ़ना है, वो रैलियों के जरिए ही अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। ठीक है, ये रैलियां इस बात का भी संकेत है कि अब चुनाव आ गए हैं तो थोड़ा वार्म अप हो लिया जाए, चुनाव के लिए अपनों को भी वार्म अप कर लिया जाए और खुद भी हो लिया जाए, तो एक ये शुरुआती है। दूसरा संदेश जो है, जो युवा हुंकार रैली के बाद बीजेपी की जो हुई है अभी जींद में, उसके बाद जो है स्थिति जो बनी है वो ये है कि जो राजनीति में नेता खासकर कांग्रेस में सर्वाइव कर रहे हैं, अपनों अपनों को अब फिर से जोड़ा जाए और ये बताया जाए कि अभी राजनीति में हम मौजूद हैं, चुनावी राजनीति में हम मौजूद हैं। हालांकि जो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रथ यात्रा और डॉक्टर अशोक तंवर की साइकिल यात्रा का आप जो जिक्र कर रहे हैं, ये अभी कांग्रेस राष्ट्रीय मुख्यालय से स्वीकृत नहीं है, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया जाए। यानी कि अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी तैयारियां की जा रही हैं और अपनों अपनों को साथ लेके चला जा रहा है, यानी कि एक तरीके से कांग्रेस के अंदर ही ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप हमारी अम्ब्रेला के नीचे आइए, हम मजबूत हैं। और वर्कर हर नेता के साथ, हर वर्कर का अपना एक नेता है, वो उसके साथ जाता है। कह रहे हैं जी, इस वक्त कांग्रेस की रैली इसलिए नहीं है कि बाकी जो सियासी दल है उनके साथ कोई कंपटीशन हो, वो इसलिए है कि उनका आपस का कंपटीशन है। यस, मैं मजबूत, यस मैं यही आपको कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ। ये हरियाणा में हमेशा से रहा है, इनेलो के अंदर भी रहा है, कांग्रेस के अंदर भी रहा है और बीजेपी के अंदर भी रहा है। किसी समय में ये कुलदीप बिश्नोई ने भी की थी, इस तरह की बंसीलाल के समय में भी ये चीज रही थी। ठीक है, अब मैं आपको एक पुराना जिक्र करता हूँ। मैं आपको रोक रहा हूँ माफी के साथ। तरुण भंडारी साहब कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। तरुण जी, तैयारियां कैसी चल रही हैं? बहुत बढ़िया तैयारियां चल रही हैं जी। किसकी, रथ यात्रा या साइकिल यात्रा? कांग्रेस की सब प्रोग्राम है, भीड़ बढ़ रही है और जनता में जो आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। नहीं नहीं तरुण जी, मैंने सवाल कुछ और पूछा, मैं ये पूछ रहा हूँ तरुण जी कि किसकी तैयारियां बढ़िया चल रही है, साइकिल की या रथ की? अभी तो हम साइकिल यात्रा की 5 तारीख से तैयारी कर रहे हैं, 5 तारीख कालका से यात्रा शुरू हो रही है। सेना प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष खुद साइकिल चला के सभी ब्लॉक, सभी जिला, सभी गाँव कूचों में सब जगह जाएंगे और उसी हिसाब से हमारा। तो इसमें विधायक भी आएंगे कांग्रेस के? सब लोगों को आमंत्रण दिया जाएगा जी, सब। आमंत्रण नहीं पूछ रहा हूँ तरुण जी, मैं पूछ रहा हूँ वो आएंगे या नहीं आएंगे? सब लोग आएंगे, मुझे लगता है क्योंकि प्रोग्राम है और सब लोग आएंगे और उनको। और नहीं आएंगे तो क्या कोई कुछ ये बताता है, कुछ जताता है ये? ये तो पहले ही आप सोच रहे, क्यों नहीं आएंगे? नहीं सर, मैं नहीं सोच रहा, ये आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी रही है। हिस्ट्री कुछ नहीं रही, आज कांग्रेस राहुल गांधी जी के अध्यक्ष बनने के बाद सब लोग एकजुट हैं और हम सब लोग साइकिल। तो आप लोग रथ यात्रा में भी जाएंगे, साइकिल का जोर रथ में भी लगेगा? सब जगह सब लोग शामिल होंगे, सभी कार्यकर्ता सब लोग शामिल। सर आप बड़ी बात कह रहे हैं तरुण जी, बहुत शानदार बात कह रहे हैं, तब तो कांग्रेस बहुत मजबूत हो जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि अशोक तंवर साहब रथ यात्रा में भी शामिल होंगे? आप अपने अपने मुंह से जो बोलना चाहोगे वो बोल दो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए। हाँ बताइए बताइए। हाँ तरुण जी, आप अपने नहीं, मैं बहुत स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूँ तरुण जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हरियाणा की जनता ये जानना चाहती है। तरुण जी सवाल एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, उसके हिसाब से आप उत्तर दे देना। हरियाणा की जनता ये जानना चाहती है आपसे, तरुण जी सवाल सर प्लीज पूरा होने दीजिए सवाल। हरियाणा की जनता ये जानना चाहती है, हम सब ये जानना चाहते हैं कि क्या साइकिल यात्रा में रथ की मजबूती होगी और रथ यात्रा में साइकिल का जोर लगेगा? सर आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, हालांकि मैं आपसे सुनना चाहता था, एक बार फिर से हम आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। मनवीर कौर साहब हैं हमारे साथ इस वक्त, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस से। कौर साहब स्वागत है आपका, मुझे एक बात बताइए, क्या तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं साइकिल यात्रा और रथ यात्रा दोनों की? देखिए कालका विधानसभा से शुरू होगी साइकिल यात्रा,
5 तारीख को कालका से शुरू होकर 11 तारीख को करनाल में समाप्त होगी, जिसमें इन बिटवीन जो भी जिले हमारे आएंगे, चाहे पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, प्रोग्राम मत पूछिए, हाँ जी, इन जिलों में होते हुए। नहीं नहीं, वो तो हम जानते हैं मैडम, मैंने हाँ सवाल कुछ और पूछा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि साइकिल पर क्या कांग्रेस के अभी जो विधायक हैं वो तमाम लोग भी सवारी करेंगे क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी नेताओं को न्योता दिया गया है। और नहीं, न्योता अलग होता है। हाँ जी, हाँ, न्योता अलग होता है और शामिल होना अलग होता है। क्या आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त पार्टी संगठन कांग्रेस का जो है प्रदेश में, वो ये दावा कर सकता है कि साइकिल की सवारी तमाम विधायक करेंगे? क्या संगठन हाँ की कोई रैली हो रही है, आप ये दावा कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं दावे से कह सकती हूँ कि साइकिल यात्रा में सभी नेता हाँ मिलजुल कर आगे बढ़कर नेता नहीं, मैडम, विधायक, चाहे वो विधायक है हाँ, चाहे वो पूर्व मंत्री है, और अगर वो शामिल नहीं होते हैं तो क्या वो ये साफ कर देगा एक बार फिर से? आप अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लीजिए अगर, तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या एक बार फिर से वो साफ हो जाएगा कि दो धड़े हैं भाई कांग्रेस में? जी नहीं, धड़े तो है ही नहीं कोई जी कांग्रेस में, ये तो हमारी पुरानी रियायत है जी। हाँ। कांग्रेस मजबूत ही ऐसे होती है। हाँ। हर व्यक्ति अपने तरीके से कांग्रेस को के लिए काम करता है। अच्छा। उसका काम करने का तरीका क्या है? हाँ। वो चाहे साइकिल पे चलता है, चाहे रथ पे चलते हैं, लेकिन उनमें लेकिन अलग अलग चलते हैं ना मैडम, साथ नहीं चलते हैं, दिक्कत यही है ना, यही सवाल पूछ रहा हूं। लेकिन उनका तरीका अलग अलग हो सकता है। मतलब संगठन अलग है, विधायक अलग है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये आपने बहुत बार देख चुके हैं, बहुत से बहुत बार देख चुके हैं। सही कह रही है, हमने तो सिर्फ फूटने तक देखे हैं, हमने गुलाबी पगड़ी और लाल पगड़ी की लड़ाई भी देखी है, हमने कुर्सियां एक दूसरे पर चलाते देखा है। कांग्रेस को मजबूती की ओर लेकर जा रहे हैं, सभी नेता एक है। ये आप हमारे मुंह में आपके शब्द डालना चाह रहे हैं? कोई शब्द नहीं डाल रहे हैं मैडम। एक बार फिर से सवाल पूछता हूँ, हरियाणा की जनता सुन रही है, जरा उनको उनके लिए एक बार और से क्लियर कर दो कि साइकिल पर क्या विधायक भी नजर आएंगे और रथ पर क्या तंवर साहब भी नजर आएंगे? विधायक और पदाधिकारी और कांग्रेस के जमीन से जुड़े हुए सभी नेता तंवर साहब रथ में होंगे? बिल्कुल पक्का? देखिए, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। देखिए, रथ और साइकिल में कोई फर्क नहीं है, सभी कांग्रेस के नेता ही उसमें जा रहे हैं, कोई बीजेपी के नेता ना रथ पर होंगे ना साइकिल। अच्छा चलिए, एक बात और बता दीजिए, ये बीजेपी की जो रैली हुई थी उस पर भी मैं सवाल पूछूंगा आपसे, एक छोटे सा ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना ही होगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। महेंद्र जी आपके पास भी लौट कर आएंगे, जरा सियासी इस वक्त जो सिचुएशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। महेंद्र जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम जो चर्चा कर रहे थे कि कहीं ये आपसी कश्मकश की लड़ाई तो नहीं है जिसमें रथ आगे या साइकिल आगे वो चल रहा हो, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल और है कि क्या एक सियासी दल को दूसरे सियासी दल की सियासी रैलियों या सियासी यात्राओं पर टीका टिप्पणी कटाक्ष करने की जरूरत सच में आ पड़ी है या ये नहीं होना चाहिए, गलत चीज़ है? देखो, राजनीति में कई तरह की बातें होती हैं, उनमें एक ये ट्रेंड भी है कि आरोप प्रत्यारोप करते रहिए लोगों के बीच, नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है गौरव, जो समझने वाली बात है, अब इसमें कहीं कोई भी इफ बट की जरूरत नहीं है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप विपक्ष में है तो आपकी अपनी भाषा है, फिर वो कोई भी राजनीतिक दल हो, आप सत्ता पक्ष में है तो सत्ता पक्ष की भाषा बोलेंगे, आज आप विपक्ष में है तो उसी तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो आप और हम सुन रहे हैं। सवाल यह है कि इस तरह की रैलियों से, या भारतीय जनता पार्टी की युवा हुंकार रैली हुई, या अब इसके बाद जो रैलियां होने जा रही है, या युवा हुंकार रैली से पहले भी जो प्रदेश में रैलियां हुई हैं, उनसे प्रदेश को क्या मिला, लोगों को क्या मिला? ठीक है, एक जरा बयान कांग्रेस के कुछ नेताओं का सुनवा देते हैं, दो लोग हैं कांग्रेस से, जरा इनके बयान सुन लीजिए रथ यात्रा को लेकर। देखिए, हुड्डा साहब को आज चोट लगे, करीब 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन लोगों में, कांग्रेस जनों में हुड्डा साहब के प्रति बड़ा भारी जोश है, और जो होटल के अंदर रथ यात्रा का जो शुभारंभ होगा वो अपने आप में एक मिसाल होगी पूरे हरियाणा के अंदर। आज तक इतना बड़ा प्रोग्राम हरियाणा में, हरियाणा के 52-53 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। पिछले 4 वर्षों से हुड्डा साहब समय समय के ऊपर हम सब लेकर के पार्टी के साथियों को, विधायक, पूर्व विधायक, समस्त पार्टी जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को लेकर के समय समय पर धरने, प्रदर्शन, आंदोलन जो करते रहे, और उसी कड़ी के अंदर जो जन क्रांति रथ यात्रा के नाम से जो 25 तारीख से हम लोग होटल से जो स्टार्ट करने जा रहे हैं,
और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका भी दुर्घटना में पैर फ्रैक्चर होने के बावजूद जहां डॉक्टर्स ने उनको सलाह दी है कि आपको एक महीना विश्राम करना चाहिए, फिर भी एक समाज सेवी और एक जन सेवक होने के नाते से उन्होंने अपना ये धर्म और फर्ज समझा है कि स्वास्थ्य बाद में है, शरीर बाद में, पहले हरियाणा है, हमारा प्रदेश है, हमारे देश के हित के लिए जरूरी है, इसलिए उन्होंने यात्रा का स्टार्ट रखा है। ठीक है, अरविंद यादव जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। अरविंद जी, किसी भी सियासी दल को क्या सियासी रैली करने की का अधिकार है या नहीं है, और क्या किसी और सियासी दल को उस पर टीका टिप्पणी करने की जरूरत होती है? ये लोकतंत्र है देश के अंदर, सबको पूरा अधिकार है, रैली करे, जलसे जुलूस करे, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करे, इसमें कहाँ कोई लोकतंत्र के अंदर रोक है। नहीं नहीं, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आपकी हुंकार रैली हुई, उसमें हमने देखा कि सियासी दल विरोध कर रहे थे, तो सियासी रैली का सियासी दूसरे सियासी दल विरोध करे, क्या ये गलत एक तरीका है? देश का दुर्भाग्य ये है कि गलत को गलत कहे तब तो समझ में आता है, पर ठीक को भी लोकतंत्र के अंदर जो प्रतिष्ठित मापदंड है उनका भी विरोध यदि करेंगे राजनीतिक दल एक दूसरे का, तो फिर हम लोकतंत्र को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं ये खुद निर्णय करना पड़ेगा। हिसाब से ये गलत है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिकल रैली का विरोध कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करना चाहिए। तो वही है कि वो इसको विरोध करने के भी तरीके लोकतंत्र के अंदर है ना, आप नीतियों का विरोध करो, आप कार्यशैली का विरोध करो, पर रैली का विरोध करने के कारण से उसको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए ना। तो ये करने वाले, मैं तो क्या टिप्पणी करूं इस पर, ये करने वाले खुद ही अपना आत्मविवेचन कर लेंगे जो कर रहे हैं क्या ठीक कर रहे हैं। तो मतलब किसी सियासी दल की रैली यात्रा को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को? तो वो ये कि वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना, मैं कहता रहा हूँ। अब आपकी पार्टी से भी तो टीका टिप्पणी हो रही है साहब कांग्रेस की यात्राओं पर, तो इसको भी दुर्भाग्यपूर्ण कहिए अब। नहीं, किस 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 चीज की रथ यात्राओं पर, रथ यात्रा साइकिल यात्रा पर अगर टीका टिप्पणी आपकी पार्टी से होने लगे तो उसको भी दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे क्या? हमारी पार्टी से यदि मेरी पार्टी ने मोटरसाइकिल रैली की है, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? नहीं नहीं, मैंने तो सवाल वही पूछा अरविंद जी, शायद आपने सवाल नहीं सुना, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। जब आपकी पार्टी कोई पॉलिटिकल रैली कर रही थी, बाकी पॉलिटिकल पार्टी उसका विरोध कर रहे थे, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण था। अब कोई और पॉलिटिकल पार्टी अगर पॉलिटिकल रैली कर रही है और आपकी पार्टी से नेताओं के उस पर रिएक्शन आने लग जाए, उस पर कमेंट आने लग जाए, तो क्या वो भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा या वो अलग कैटेगरी हो जाएगी? नहीं, आपको पहली लाइन मेरी ये थी कि वो सबका लोकतांत्रिक अधिकार है। हाँ, वो साइकिल रैली करे, मोटरसाइकिल रैली करे, पद यात्राएं करे, वो लोकतंत्र के अधिकार है, उसका विरोध किसी को भी नहीं करना चाहिए। वो यदि विरोध करता है तो एक अच्छी परंपरा नहीं है, वो चाहे मैं हूँ उसमें या मेरे विपक्ष के लोग हों, कोई भी हो। बहुत अच्छी बात, ये आपकी साफ गोई अच्छी लगी। महेंद्र जी, ये बात ठीक है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी यात्रा रैली करने की आजादी होनी चाहिए और उस पर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी कमेंट ना करे तो ज्यादा बेहतर है? ऐसा कहीं कोई लिखित में नहीं है कि आप विरोध नहीं करेंगे, पहली बात तो ये है। लेकिन गौरव, जो सवाल है और जो समझने वाली बात है वो ये है कि ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो पूरा प्रदेश उनसे जवाब मांगता है अपने कामों का, अपनी नीतियों का, प्रोग्रामों का, एजेंडे का, और कांग्रेस है विपक्ष में, तो जो कांग्रेस के नेता हैं जिनकी रैली होने जा रही है, एक साइकिल या वो यात्रा निकल रही है कि रथ यात्रा निकल रही है या यात्राओं पे जो ये लोग निकल रहे हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं, पब्लिक को तो छोड़ दीजिए, अपने कार्यकर्ताओं को तो बताइए कि हमने बीते 4 साल में या 3 साल में हमने आपके लिए ये किया है, इसलिए आप हमारे साथ चलिए। अच्छा, दूसरा, जैसा भी आपने कांग्रेस के नेताओं के जो बयान लिए हैं और उन्होंने जो कहा है, रैली ये यात्राएं कांग्रेस की नहीं है, एक हुड्डा साहब की, एक डॉक्टर अशोक तंवर की है, तो कांग्रेस का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है, चलिए बहुत